जी नमस्कार, स्वागत है आपका दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रोहित वैद्वान, एक बार फिर बहुत बहुत तहे दिल से आपको बुलाते हैं आज फिर एक बार। देखिएगा, अभी लास्ट क्लास में हमने जिक्र किया था किसका, वर्ब का, जिसमें मैंने आपको दो वर्ब पढ़ाई थी, कौन सी, रेगुलर और इरेगुलर। और उसमें लास्ट में एक सवाल पूछा था कि बताइएगा इनमें से इनट्रांजिटिव वर्ब, वो सॉरी इरेगुलर वर्ब कौन सा है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन दिया था जवाब बी रोट, वो उनका सही जवाब था, तो सबको मुबारक हो। लेकिन कोई इनाम नहीं मिलेगा, इनाम जरूर मिलेगा उस दिन जिस दिन आपका रिजल्ट होगा। अच्छा, और वो इनाम आपको नहीं, वो इनाम किसको मिलेगा, हमें, कि आप पास होंगे तो लगेगा कि हमने कुछ मेहनत की थी। और आप लोग, मतलब हमने कभी कहा नहीं आपसे कि सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, लेकिन स्टिल आपने जितना प्यार दिया और इतने कम टाइम में, मतलब अध्ययन मंत्रा की फैमिली 50,000 लोगों को छूने वाली है, एक या दो दिन में छू जाएगी। तो चलिए इसी शुभकामनाएं के साथ कि अच्छा करते रहेंगे और आप अच्छा पढ़ते रहेंगे, करते हैं आज एक दूसरा पार्ट इंटरेस्टिंग सा, वो ही 5 से 7 मिनट, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। चलिए तो जी, बात करेंगे किस पे आज, वर्ब पे ही। तो वर्ब के इस चैप्टर में बेटा जी, कल हमने जिक्र किया था किसका, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। आज जिक्र करेंगे इसका, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या वर्ड है, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक दूसरे वाला जो पार्ट है इसी में क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब सवाल ये आता है कि ये क्या है। तो इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब जब आप पढ़ते हैं ना, तो देखिए नॉर्मली ये काम आ जाती है जब आप वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस जब पढ़ते हैं। लेकिन वर्ब के इस चैप्टर में भी इससे ना, अगर आप देखेंगे तो आप सवाल आ जाता है, क्योंकि आपसे कहते हैं कि किन वर्ब का एक्टिव पैसिव बन सकता है, किन का नहीं। तो थोड़े से कम टाइम में देखिए, जो ट्रांजिटिव है और इसको ना हिंदी में जो बोला जाता है, वो बोला जाता है क्या, सकर्मक क्रिया। क्या बोला जाता है, सकर्मक क्रिया। हिंदी की मात्राएं मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, गलत हो जाए तो प्लीज माफी दीजिएगा। और इसको क्या बोला जाता है, अकर्मक क्रिया। क्या बोला जाएगा, अकर्मक क्रिया। अब बात यह है कि यार इसमें ना वर्ब भी है, लेकिन उसके साथ दो अलग अलग वर्ब, तो दोनों में क्या है, कॉमन। लेकिन यहां पे क्या है, ट्रांजिटिव, और यहां पे क्या है, इनट्रांजिटिव। तो इन दोनों में क्या फर्क है, तो जरा एक बार इन दोनों का फर्क देख लेते हैं, क्या होता है ट्रांजिटिव और क्या होता है इनट्रांजिटिव। तो बेसिक से जो बिल्कुल आसान से, कभी मैंने पढ़ाया तो फिर दोबारा से एक बार जरा ध्यान से पढ़िएगा, उसमें एक जैसे सेंटेंस आता है ये वाला, क्या कहता है कि वी आर फ्लाइंग अ काइट, ठीक है जी। और एक दूसरा ये आ जाता है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। क्लियर है, देखिए पढ़ाने वाले आपको कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे किताबों में आता है, सबका अपना अपना तरीका है। मेरे लिए हमेशा मायने रखता है कि मैं जितने कम टाइम में आपको चीज समझा सकूं जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। देखो मेरे बच्चे, अगर यही वाली चीज ना एक्टिव वॉइस होती, क्या होती, एक्टिव वॉइस, आप ले आ, और ये वाला भी क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, आप जब चेंज करते तो आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब का इंट्रोड्यूस में हो जाते हैं क्या, थर्ड फॉर्म। तो इसके साथ कुछ ऐसा ही किया और हमने पता किया यहां पर क्या था, ये सब्जेक्ट, ये क्या इसका ऑब्जेक्ट, और यहां पर इसकी क्या थी, वर्ब। तो इनको आगे पीछे ले जाए जैसे करते हैं वही ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, अ काइट, सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में रहेगा, इज ING है तो इसका मतलब फ्लाई भी आया है। तो अब देखिए, द काइट इज ING है तो इसका मतलब इसकी मदद करनी किसको पड़ेगी, बीइंग को, और जो फ्लाई है वो किसमें बदल जाएगा, थर्ड फॉर्म में, फ्लोन, और बाय वी का क्या बन जाएगा, अस। और अगर इसको भी चेंज करके देखा जाए तो इसका मतलब यहां से क्या मिलेगा, द स्काई, क्या मिलेगा, द स्काई इज ING की मदद दोबारा कौन करेगा, बींग, और फ्लाई के लिए कौन आ जाएगा, फ्लोन। कल बताया था ना बेटा ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, और इरेगुलर है, इरेगुलर है, इरेगुलर है, क्यों, क्योंकि उसके साथ ईडी नहीं आया। तो इसका मतलब द स्काई इज बींग फ्लोन बाय बर्ड्स। और अगर ऐसा हो गया तो लोजी बेड़ा गर्क हो गया, यहां तो बिल्कुल एकदम क्या ऐसा लगता है कि आकाश, जो चिड़िया है वो आकाश को उड़ा सकती है, नहीं। देखो ऊपर कहता है वी आर फ्लाइंग अ काइट, कि हम क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। नीचे क्या कह रहा है, ए काइट इज बीइंग फ्लोन बाय, कि हमारे द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। नीचे कहता है बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, कि चिड़िया आकाश में क्या कर रही है, उड़ रही है। और नीचे बनाते इसको क्या कह रहा था, स्काई इज बीइंग फ्लोन बाय बर्ड्स, की चिड़ियाओं द्वारा आकाश उड़ाया जा रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल। क्यों एक वर्ब इसके साथ पॉसिबल हुई और क्यों एक वर्ब इसके साथ इंपॉसिबल हुई, मेरे बच्चे याद रखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके वर्ब पर काम करता है,
कोई भी ऑब्जेक्ट उसके वर्ब पर काम करता है तो याद रखना वो हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव। और कोई भी वर्ब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके वर्ब पर काम नहीं करता तो ये क्या होगा, इनट्रांजिटिव। अब देखो पढ़ाने वाले इसे किस तरीके से बोलेंगे कि जिसमें मिलेगा ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट। मैं कहता हूं फालतू में क्यों टेंशन ले, समझो बिल्कुल आसान। काइट है, फ्लाई है, पतंग उड़ सकती है कि नहीं उड़ सकती, हाँ जी उड़ सकती है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव। अगर आपका ऑब्जेक्ट, अरे इसने कहा था सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, तो इसका मतलब क्रिया तो है ये, इसका क्या है, कर्म। तो मेरे बच्चे बस याद रखना, अगर उसका कर्म मतलब ऑब्जेक्ट उसके वर्ब पर काम करेगा तो इसका मतलब एक्टिव से पैसिव भी बनेगा। लेकिन अगर उसका वर्ब उसका ऑब्जेक्ट उसके वर्ब पर काम नहीं करेगा, आकाश उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता, नहीं उड़ सकता, तो इसका मतलब क्या है, इंट्रांजिटिव। ऐसा नहीं कि इनके एक्सेप्शन नहीं होते, होते हैं, बट जब हम सीटेट पढ़ते हैं ना तो सीटेट में इतना ही पढ़िएगा, ज्यादा मत पढ़िएगा, उतना जो फिल्टर करके हमें जरूरत है उतना ही करेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं। अब अगर इसी चीज को मेरे बच्चे अगर नॉर्मल आप देखोगे तो इसका मतलब मैं इस सेंटेंस को एक तरीके से और लिख दूं, अगर क्या कहता है देखिएगा, राम ईट्स मैंगो। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट का इसके वर्ब के साथ काम चल रहा है तो इसका मतलब समझ लेना ये क्या है, ट्रांजिटिव है। और अगर इसी चीज को मैं हटा दूं, येलो, अब ये बताओ इसके ईट के साथ इसका कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब मान लो इसका इंट्रांजिटिव। सीधा सिंपल याद रखना, जिसके साथ उसका ऑब्जेक्ट उसकी वर्ब के साथ काम करेगा दैट इज ट्रांजिटिव, और जिसके साथ काम नहीं करेगा दैट इज इंट्रांजिटिव। ठीक है, अब ना मैं आपको जाते जाते चार सवाल दिए जा रहा हूं आज के लिए, चारों सवालों को ध्यान से सुनिएगा, चारों को आपको क्या देना है जवाब, और जो जवाब देंगे इसका मतलब ऑप्शन में वही दीजिएगा कौन सी ट्रांजिटिव होगी कौन सी इंट्रांजिटिव। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, सॉरी लाया था बना के आप लोग, ये है राहुल वाटर द प्लांट, ठीक है जी, प्लांट्स। दूसरा सवाल है दे आर इंग्लिश, क्लियर। और आगे द बॉय स्माइल्ड, चलो चार नहीं देते, कितने देते हैं, तीन सवाल, आपको इन तीनों को मेरे को जवाब देना है। और सवाल क्या है, फाइंड द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन थ्री सेंटेंस। इन तीनों सेंटेंस में आपको यह बताना है कि ऊपर वाले में ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, दूसरे वाले में ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, और तीसरे वाले में ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। आज की क्लास होने के बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो आपके साथ एक टेस्ट होगा, और वो टेस्ट ना लाइव होगा, मतलब उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइव जाएंगे। और लाइव जाने से पहले हम पूरा प्रोसेस बता दूं कि उसमें हम टेस्ट करेंगे जिसमें रेगुलर और इरेगुलर, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों पे क्या करेंगे बात। तो आपका बेशकीमती समय देने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।